उपचुनाव में हार के बाद कैथल से कांग्रेस विधायक रणदीप साथ दबाव में दिख रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही वे कल में सक्रिय हो गए हैं। जात बिरादरियों को अपने पक्ष में लामबंद करने में लगे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार मुखर आलोचना कर रहे हैं। सोमवार को रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात की। आइए जरा रणदीप सुरजेवाला बातचीत के मुख्य अंश सुन लेते हैं। से भारतीय जनता पार्टी की खट्टर साहब के नेतृत्व वाली जाबर जालिम निकम्मी और नाकारा सरकार को उखाड़ने का आह्वान हमारे सब साथियों ने एक मुश्त होकर किया। खट्टर साहब की सरकार, भाजपा की सरकार मंदी और तालाबंदी का प्रतिबिंब बन गई है, चिन्ह बन गई है। मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहब अहम और बहम के शिकार हैं। कभी कभी आत्महत्या करते हुए किसान, उसकी पीड़ा उनको दिखती नहीं। कभी वो अपने ही कार्यकर्ताओं का सर फरसे से काटने का ही थ्रेट्स इशू करते हैं, और कभी बौखलाकर वो ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को मंच पर से फेंकवाते हैं। कभी दलित समाज और पिछड़े समाज के हमारे साथी जब अधिकार मांगते हैं तो वो उनका तिरस्कार करते हैं। कभी युवा जो प्रदेश का अपना अधिकार मांग रहा है, उसके बिकते हुए पेपर और लुटते हुए अधिकारों की ओर बेरुखी कर लेते हैं। खट्टर सरकार हरियाणा की पहली सरकार है जिसने, जिसके हाथ 200 हरियाणवियों के खून से सने हैं। 135 से 150 के बीच डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों की पंचकुला के अंदर हत्या हुई। बाबा रामपाल जी के अनुयायियों की पुलिस के गोलियों से उन्हें भून दिया गया। पर आरक्षण में 60 से 100 के बीच में लोग मारे गए। ये पहली सरकार है हरियाणा की 53 साल में जिसके हाथ 200 हरियाणवियों के खून से सने हैं। आज भी हरियाणा पंचकुला का वो मंजर नहीं भूल पाया जहां डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों की चुनिया, उनकी चप्पलें, हमारी माताओं और बहनों के कपड़े, शरीर के अंग, पूरे के पूरे पंचकुला की सड़कें उनके खून से लाल थी, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों का नरसंहार किया था। वो चाहे जीटी रोड पर आरक्षण के दौरान हुआ हो, चाहे जान माल और दुकानों की लूटपाट हुई हो, चाहे उसके साथ साथ रामपाल जी के अनुयायियों की हत्या हुई हो हिसार में, बरवाला में, ये वो सरकार है जो किसान वर्ग, जो कर्मचारी वर्ग, जो युवा वर्ग, जो दलित और पिछड़ा वर्ग, जो हमारे दुकानदार और व्यापारी भाई, जो मंदी और तालाबंदी, उन सब के लिए का प्रतिबिंब बन गई है। और हरियाणा के लोग अब संकल्प कर चुके हैं कि वो इस सरकार को चलता कर देंगे। खट्टर साहब का अहंकार धराशाही होगा। चुनाव में किस दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल की चुनावी संभावनाओं के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।